पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को बदल डालूंगा, क्रेंज बना दूंगा। तो अब ये हिप हॉप इंडस्ट्री को भी बदलने वाले हैं, सब कुछ इनके हिसाब से होने वाला है, ताराबाई जोगिंदर के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो देखा आपने दिस ट्रैक का एक और ये सॉन्ग रैप या पोयम लाने वाले थे दोस्तों ताराबाई जोगिंदर, लेकिन ये हो ना सका। आ जाओ, पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को बदल डालूंगा। मैं बताता हूँ तुम लोग, अबे तुम लोग क्यों कहा था क्या डिस्ट्रैक लाने की, मैं बताऊंगा डिस्ट्रैक किसे बोलते हैं। 2 दिसंबर को ताराबाई जोगिंदर पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को बदल डालेगा। कॉपीराइट इशू आए और काफी लाइनें दोबारा चोरी की पाई गई हैं, और दूसरा इनका सॉन्ग जो है वो आया और गया, वो यूट्यूब से हटा दिया गया। तो दोस्तों 2 दिसंबर की जो ये बात कर रहे थे, अब इनकी ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं पाई है। सबसे ज्यादा खुशी आज हुई है, वीडियो आया था भूचाल गाना जो कि इन यूट्यूबर ने डिलीट करा दिया यूट्यूब से, अबे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। खुशी पता है किस बात की है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी आवाज दबाई है लोगों के सामने लाने से। कब तक आवाज दबाओगे मैं ये देखना चाहता हूँ। जिसने भी क्लेम डाला ना यूट्यूब पे जाके भूचाल गाने पे ताराबाई जोगिंदर की पे, बहुत बढ़िया किया। इससे तुम लोगों की औकात पता चलेगी, तुम लोगों की औकात क्या है और तुम लोग कहां तक जा सकते हो। गाने का क्या है, अबे मेरी आवाज रोक सकता है क्या? अगर आवाज रोक सकते हो ना तो मेरी आवाज रोक के दिखा दो, वीडियो बनती रहेगी बैक टू बैक। जितना दम है ना उतना दम लगा लो जाके। अबे तुम लोग कहोगे मेरा गाना, तुम्हारी औकात कौन है? वो कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, धीरू मोन्ची, सोना लापा, एलविश यादव, डकी भाई, दीपक कलाल, हर्ष बेनीवाल, ये लोग रोकेगा मेरी वीडियो को आने से? कितने गाने डिलीट कराओगे? 1, 2, 3, 4 कितने? जितने कराओगे ना उतने बनाऊंगा। क्या क्या बनाऊंगा? मेरा कुछ नहीं हुआ, 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। पर तुम लोगों की असलियत है ना लोगों के सामने ला के रहूंगा, कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई भी। लेकिन दोस्तों हर्ष बनीवाल जी, हाँ दोस्तों हर्ष बनीवाल अब इसमें कूद पड़े हैं। ताराबाई जोगिंदर का जो दिस ट्रैक का बबंडर रैप सॉन्ग या पोयम जो आई थी उसके जवाब में अब हर्ष बनीवाल उसका जवाब देने वाले हैं, क्योंकि अक्सर पाया जाता है ताराबाई जोगिंदर जो है यूट्यूबर्स को टारगेट करते हैं और यूट्यूब से यूट्यूबर को ही ख़त्म करने की बातें करते हैं कि यूट्यूब को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। तो अब जो है हर्ष बनीवाल उन्हीं के तरीके से उनको जवाब देने वाले हैं। एक प्रोमो भी सामने आया है, उसकी कुछ हम लाइनें देख लेते हैं। YouTube को क्रिंज बना दूं। तो दोस्तों आपने देखा क्रिंज बना दूंगा, बबंडर जैसे गाना था उनका ताराबाई जोगिंदर का, उसी की तरह जवाब ये देने वाले हैं। तो दोस्तों हर्ष बनीवाल के सब्सक्राइबर का इस प्रोमो के बाद क्या कहना है वो भी हम देख लेते हैं। आपने देखा लोगों का ये कहना है अब ताराबाई जोगिंदर की बैंड बजने वाली है, हर्ष बनीवाल जो है आउट ऑफ फ्लेवर्स निकले हैं, ताराबाई जोगिंदर जो है कैरिमिनाटी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब हर्ष बनीवाल बीच में कूद पड़े हैं, अब जो है अब अच्छे से फ्राई होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो है लोगों का मानना है अब रोस्ट नहीं है फ्राई होगा, क्योंकि ताराबाई जोगिंदर हमेशा ये कहते हैं कि मेरा रोस्ट मत करो, जबकि उनका रोस्ट कभी किसी ने किया ही नहीं। तो अब दोस्तों रोस्ट नहीं, अब उनका फ्राई होने वाला है। अब एक और हमें इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि ताराबाई जोगिंदर को जवाब मिलेगा और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों फ्राई के नाम पे हर्ष बनीवाल का एक छोटा सा प्रोमो देखने के बाद ही ताराबाई जोगिंदर को अकल आ गई है, या फिर वो एक डर महसूस कर रहे हैं कि अब पूरा यूट्यूब उनके अगेंस्ट होने वाला है। तो उनकी एक और वीडियो दोस्तों सामने आई थी, जिसपे कि आप शौक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसमें कि ताराबाई जोगिंदर का दी एंड हो गया है, मतलब कि यूट्यूब पे अब वो शायद नज़र ना आए। तो देखते हैं दोस्तों वो वीडियो में उन्होंने क्या कहा है और किस तरह की बातें कही, क्योंकि इसमें आपको ताराबाई जोगिंदर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे, जो कि अब तक नज़र आते थे ये करते हुए ताराबाई जोगिंदर वो नहीं है, अब ऐसा लगेगा एक मैच्योर इंसान बात कर रहा है। देखते हैं दोस्तों। उसके बाद नहीं दिखेगा यार, एक बात क्या नहीं भूल गया था यूट्यूबर्स को, जितने भी आए बड़े बड़े यूट्यूबर्स, एक बात कहना चाहता हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा अपने बात, ना कोई कैरी मिनाटी गलत बोलेगा, ना कोई ट्रिगर इंसान को गलत बोलेगा, ना लक्ष्य चौधरी कोई गलत बोलेगा, ना एलविश यादव को कोई गलत बोलेगा, ना डकी भाई को कोई गलत बोलेगा, ना धीरू मोन्ची को कोई गलत बोलेगा, ना सलोनी आपा को कोई गलत बोलेगा।
कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, देखो इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार इन लोगों ने ना मेरा मजाक उड़ा के अपनी अपना पेट पाला है पब्लिक के सामने, मतलब अपना पेट किया है इन्होंने, यार मेरा दिल दुखाया है, मेरे को गाली देकर वीडियो बनाई है, तो अपनी भाई लास्ट वीडियो है, शायद हिंदुस्तान में कुछ भाई जागे इसके बाद, अपनी आवाज खुद बनना आप लोग, कल को अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप अपनी आवाज, मैटर नहीं करता कि आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आप अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको कोई आगे से बोलता है गाली देता है तो यार जाहिर सी बात आप बोलो उसको, मेरे को गाली दी, मेरी वीडियो पे इतने गंदे गंदे कमेंट किए, तुम लोगों ने आज तक कभी सोचा, हिंदुस्तान के भाई से एक बात करना चाहता हूँ, तुम लोगों ने आज तक उन लोगों को सपोर्ट किया जो लोग गाली देते हैं माँ बहन की वीडियो में अंदर आके, तुम लोग उनको सपोर्ट करते हो, तुम लोगों ने कभी आज तक जिंदगी में ये नहीं सोचा कल को तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी माँ बाप वो वीडियो देखते हुए तो क्या प्रभाव पड़ता होगा, फिर तुम लोग ये बोल देते हो कि जोगिंदर तू बोलता है, अब नहीं बोलूंगा ब्रो, मन भर गया बोल बोल के। तो दोस्तों आपने देखी वीडियो की, तारा भाई जोगिंदर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आए, जैसे कि वो अपनी वीडियो में नजर आते थे, लोगों का कहना था कि वो गवार टाइप लगते हैं कोई भी यूट्यूब पे आ जाता है, तो इसमें एकदम डिफरेंट नज़र आए, एक समझदारी की बातें हुए करते हुए नज़र आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तारा भाई जोगिंदर जो किया करते थे वो सारा फेक था? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे छाती पीटना, तारा भाई जोगिंदर ये करेगा वो करेगा, तो वो क्या सारा फेक होता था और ये सब कुछ फेम के लिए उन्होंने किया? अब ये लग रहा है कि यूट्यूब पूरा अगेंस्ट हो गया है, तो इन्हें एक डर महसूस हो रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, देखते हैं क्या हर्ष बनीवाल की क्या वीडियो होने वाली है, क्या वो वीडियो अब लाएंगे, जैसे कि इन्होंने अब माफ़ी मांग ली है एक तरीके से सारे यूट्यूबर से, तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, सत्यमेव जयते। अच्छा देखिए मेरा कॉन्टेंट।